कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अब अलग अलग जगह पर महापंचायत कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में करनाल में भी महापंचायत होने जा रही है। हालांकि इस महापंचायत में किसानों की कुछ और मांगे भी हैं। कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर जहां किसान पिछले 9 महीनों से लगातार बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, तो वहीं अब करनाल में 28 अगस्त को किसानों के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसके बाद अब किसान बिफर गए हैं और ऐसे में अब सीधा हरियाणा सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। आज महापंचायत की जाएगी यहां पर किसानों की ओर से, उसके बाद लघु सचिवालय का घेराव किया जाएगा। तमाम तैयारियां प्रशासन ने भी की हुई हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। विनोद लांबा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो बात करेंगे तैयारियों की, सुरक्षा बल की ओर से क्या तैयारियां हैं। ये भी जानकारी सामने आई है कि ड्रोन से पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी, कितनी फोर्स, कितनी कंपनियां तैनात हैं आज अगर कोई भी स्थिति बिगड़ती है तो उसे संभालने के लिए। देखिए, 30 से 40 कंपनियां तैनात की गई हैं और रिजर्व पुलिस के भी जवान लगाए गए हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट की फोर्स यहां बुला ली गई है। गंगाराम पूनिया जो कि करनाल के एसपी हैं, उनसे हमने बातचीत की है और इंटरनेट बंद है तो निश्चित तौर पर जल्द ही वो तस्वीरें, वो बातचीत भी आपको सुनाएंगे। और ये कहीं ना कहीं देखने को नजर आ रहा है कि अभी हरियाणा पुलिस की तरफ से तैयारियों का जायजा लेने आईजी भी पहुंची हैं, ममता सिंह, और इन तमाम तैयारियों में देखने को मिल रहा है कि हरियाणा पुलिस अपनी तरफ से तमाम तैयारी कर रही है। महापंचायत को लेकर कोई विवाद नहीं है किसान जथेबंदियों के बीच में और प्रशासन के बीच में, लेकिन लघु सचिवालय का जो घेराव है उसको लेकर क्या रणनीति बनेगी प्रशासन की, वो करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। और अब इस तमाम तैयारियों को कहीं ना कहीं महापंचायत के बाद जब पूछ करेंगे लघु सचिवालय का घेराव करने, उससे पहले भी प्रशासन जो जानकारी गंगाराम पूनिया द्वारा दी गई है, एसपी करनाल द्वारा दी गई है, उन्होंने कहा है कि फिर एक बार बातचीत करने की कोशिश की जाएगी और ये देखा जाएगा कि क्या किसी बातचीत जो मांग है उनको प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाकर क्या बातचीत हो सकती है। एक बार फिर ऑफर कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा दिया जाना है और जैसा मैं बता रहा हूं कि इस महापंचायत के बाद लघु सचिवालय का जो घेराव है वो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। टकराव की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं उसी चीज को लेकर बन सकती है। बिल्कुल।